नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है रांची के मोरहाबादी मैदान में। पंचायत सचिव अभ्यर्थी जेटेट 2016 पास अभ्यर्थी और साथ में गिरी रक्षा वाहिनी दल और जिला लातेहार पुलिस के अलावा अब कांस्टेबल परीक्षा से भी जुड़े हुए अभ्यर्थी बहुत जल्द आंदोलन कर सकते हैं और नई टेट परीक्षा की तैयारी में लगे स्टूडेंट्स भी आंदोलन कर सकते हैं। अब तक जो खबर आ रही है इसके मुताबिक कुछ और संगठनों ने आंदोलन करने के बारे में विचार कर लिया और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि झारखंड में अब सरकार की स्तर से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आंदोलन को जानबूझकर लेंदी किया जा रहा है? क्या आंदोलन को लंबा करने के पीछे कोई उद्देश्य है सरकार का? सरकार आखिर क्यों आंदोलन को लंबा कर रही है? स्टूडेंट्स का पेशेंस लूज करवाना चाहती है या फिर दुमका उपचुनाव के जितना नजदीक जाएगा आंदोलन उतना लाभ लेगी सरकार, क्योंकि उस समय वार्ता शुरू करवाएगी। इस समय सरकार के मन में चल क्या रहा है, इसे लेकर हमने आज अलग अलग स्रोत से जानना चाहा कि गवर्नमेंट के दिलो दिमाग पर क्या चल रहा है। हम तक ये खबर आई कि मुख्यमंत्री के पास हर चीज की नॉलेज चली गई है, यानी कि उन्हें पता है कि जेटेट 2016 पास अभ्यर्थी पंचायत सचिव उत्तीर्ण जो कर गए हैं, नौकरी की आशा में है वो अभ्यर्थी, जिला पुलिस के अभ्यर्थी, गिरी रक्षा वाहिनी दल के लोग, तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि उनको ज्वाइनिंग चिट्ठी चाहिए। ये ज्वाइनिंग चिट्ठी कब देंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा सरकार को, ये समीकरण बैठाने के लिए आज से बातचीत शुरू हो गई है। दुमका में जब अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से कई दूसरे मंत्री से मुलाकात किए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रांची में उनसे एक मुलाकात की जाएगी, बातचीत किया जाएगा। हो सकता है कि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ लोग मिलने के लिए पहुंचे। इसके पहले एक दिन पूर्व ही दीपिका पांडे सिंह, सीता सोरेन, बंधु तिर्की मिलने पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। कार्मिक विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, बात नहीं बन पाई। बात इसलिए नहीं बन पा रही है कि इस बार स्टूडेंट ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें रिजल्ट के सिवा कुछ दूसरा लॉलीपॉप नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आज अच्छी खबर आ गई कि 8000 स्टूडेंट को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी उस पर स्टे लग गया। हमने अपने कई एपिसोड में पहले ही ये बता दिया था कि इसमें लगेगा स्टे और वही हुआ। हमारी जो एक्सपर्ट्स पैनल ने बताया था ये सही साबित हुआ और स्टे लग गया। 4 नवंबर को आगे सुनवाई होगी। इसी बीच में हाईकोर्ट में जेपीएससी को लेकर भी सुनवाई होने वाली है, जेपीएससी की एग्जाम्स को लेकर के सुनवाई होने वाली है। जेपीएससी को लेकर ये देखा जा रहा है कि कितना सटीक ये आंदोलन हुआ है। जेपीएससी को लेकर यह भी तलाशा जा रहा है कि जेपीएससी के लोग जो एग्जाम लिए थे क्या वो सही हुआ था, क्या सारी चीज नियम कानून से हुआ था या फिर कहीं पर कोई दिक्कत आई थी, हिंदी इंग्लिश के अलावा भी कहीं पर कोई फॉल्ट है, इसे लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। बहुत जल्द जेपीएससी पर भी क्लियर कट फैसला आने वाला है। इस बीच 7वीं जेपीएससी को लेकर स्टूडेंट की नाराजगी सामने आने लगी है। कई स्टूडेंट ने झारखंड अब तक न्यूज को फोन करके बताया है कि अब ऐसा लगता है कि 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। क्या झारखंड में हर एग्जाम के लिए आंदोलन करना जरूरी है? क्या झारखंड में हर आंदोलन के पीछे सरकार की कोई साजिश होती है? क्या सरकार आंदोलन को हमेशा तोड़ना चाहती है? ऐसे कई सवाल है जो सामने आते हैं। क्या जेपीएससी का यह आंदोलन भी इसी मौके पर शुरू हो जाएगा? जो 7वीं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट हैं, 7वीं 8वीं 9वीं के तैयारी कर रहे हैं, जो 7th जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे इस समय नाराज हैं। इनको लगता है कि सरकार ने इन्हें धोखा दिया है। उन्होंने कहा था कि एग्जाम लेंगे लेकिन एग्जाम तो हुआ ही नहीं, वैकेंसी ही नहीं निकला, वैकेंसी 2-2 बार आई लेकिन वापस ले ली गई, एक बार पिछली बार, उसी समय में 2 बार आई थी, लेकिन इस बार क्या थोक बजा कर वैकेंसी आएगी? हाल में मुख्यमंत्री ने कहा था कि थोक बजा कर नौकरी देंगे, नियमावली को दुरुस्त करके नौकरी देंगे,
लेकिन नियमावली बनेगी कब ये नहीं जानते हैं हेमंत सोरेन। उनके पास ना ही कोई योजना दिखाई देता है, ना ही कोई दिशा दिखाई देती है। युवाओं के लिए क्या रोड मैप है ये सरकार को भी नहीं पता है। कौन कमिटी इस पर जांच कर रही है, कौन कमिटी सिफारिश करने वाली है, ये भी नहीं पता है। और यही कारण है कि इन दिनों अपना घर परिवार छोड़कर मोराबादी मैदान में बच्चे जो तैयारी करने वाले बच्चे थे वो अब आंदोलन में उतर आए हैं। जिन्हें नौकरी करनी चाहिए वो आंदोलन में उतर आए हैं। बच्चे वहां रो रहे हैं, बच्चे वहां पर बिलख रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। नाराज होकर भिक्षाटन का काम शुरू हो गया, बच्चे भीख मांग रहे हैं कि कम से कम कुछ तो शर्म करे सरकार, कुछ तो उनके अंदर शर्मिंदगी बची हो कि युवा भीख मांग रहे हैं। वो घूम घूम करके लोगों को बता रहे हैं कि उनकी सर्टिफिकेट देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट क्लर्कियल परीक्षा को लिखकर आज बेरोजगार है। बीएड एमएड उत्तीर्ण करने वाले और सीटेट जेटेट पास करने वाले बच्चे बेरोजगार। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि बातचीत किया जाए। सरकार के दिमाग में यह भी चल रहा है कि किसी भी प्रकार से बच्चों को मनाया जाए, लेकिन हमें लगता है कि बच्चे मानने वाले नहीं है। इस बार बच्चों ने साफ कह दिया है कि उनका ये अनशन होगा। अनशन के दौरान कोई घटना घटती है तो सरकार जिम्मेवार होगी। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत बिगड़े कि वो नहीं हटेंगे, किसी भी सूरत में नहीं हटेंगे, ज्वाइनिंग चिट्ठी के बिना नहीं हटेंगे। हमें याद है कि पिछले साल भी कई बार जेएसएससी ऑफिस के सामने धरना दिया गया, कई बार पंचायत सचिव के अभ्यर्थी और जेटेट के अभ्यर्थी जेएसएससी से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए टाल दिया कि कोर्ट का इस पर स्टे लगा हुआ है। फिर मामला कोर्ट की आशा में बैठा बैठी हो गया, कार्मिक विभाग में कभी चले गए, और ऐसा करते हुए कई बच्चे तो वकालत सीख गए होंगे। जितनी दावपेच इसमें समझे हैं तो उन्हें लगता होगा कि पंचायत सचिव और लिपिक की नौकरी छोड़िए और वकालत कर लीजिए, वो ज्यादा आसान होगा। इतने दावपेच को समझना ये कोई आसान काम नहीं होता। तो सरकार से सीधा सवाल है कि आखिर क्यों लंबा खींचा जा रहा आंदोलन, इसके पीछे क्या है, क्या उद्देश्य है सरकार का? क्योंकि जब जब आंदोलन लंबा खींचा जाता है लोगों का पेशेंस लूज होता है, लोग ऐसी कुछ गलती कर देते हैं जिसके पास सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर देती है, आप देख लीजिएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने हर आंदोलन को बहुत पेशेंस के साथ शुरू किया। धैर्य और एकता, निराश नहीं होना, क्योंकि जब तक धैर्य एकता और गांधीवादी तरीके से आपका आंदोलन चलता है सरकार की नींद खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही आंदोलन में डायरेक्शन डेविएट होता है सरकार दमनात्मक कार्रवाई करती है। तो हमारी अपील होगी तमाम युवाओं से, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, लगन के साथ वो आंदोलन में जुड़े रहे रांची में। और हमारे तरफ से जो भी सहायता की जरूरत होगी, कई लोगों ने हमें फोन किया था, हमसे पूछा कि उनकी जो फाइनेंशियल दिक्कत है उसमें कुछ सपोर्ट किया जाए, उसकी चैनल हमारा हमेशा करता रहेगा। हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस समय झारखंड के जो दूसरे युवा हैं, जो दूसरे संस्थान हैं, जिनकी पूरी की पूरी बागडोर स्टूडेंट के साथ में होता है, वो आगे आए, वो आगे आकर के मदद करें, बच्चों को खाने की व्यवस्था कराएं, उनके टेंट का पैसा दें। क्योंकि ये गांधीवादी तरीके का आंदोलन है, ये कोई एनार्किज्म नहीं है, ये कोई सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं हो रही है, ये लड़ाई अधिकार की हो रही है, हक की हो रही है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हर किसी को। चलिए अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मामला आज बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार था लोगों का। और ऐसा हमने पहले भी बता दिया था इस जजमेंट के आने के पहले ही कि स्टूडेंट्स के फेवर में जाएगा, क्योंकि ऐसा पहला नजर में ही लग रहा था कि आंध्र प्रदेश नियोजन नीति के मामले को झारखंड हाईकोर्ट में सरकार की ओर से सही प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया।
इसलिए विशेष अनुमति याचिका में चला गया और इसे स्टे लगा ही दिया गया, जो खबर हम आज ही पहले आपको दोपहर के समय बता चुके हैं। हमारी 200 आती 11 बजे सुबह में, दूसरा 9 बजे रात को। ऐसे तो अमूमन 9 बजे रात को जेपीएससी वाला शो होता है, लेकिन इस समय झारखंड में तमाम बच्चे परेशान हैं, इसलिए दोनों शो में आपके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको सच्चाई बताया जाए, सही विश्लेषण हो। और रांची के आसपास के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो सुबह में ठीक पहुंचते हैं मोराबादी मैदान, देर रात तक रहते हैं, उनसे जो हो पा रहा है वो सामग्री पहुंचा रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो आसपास के बच्चे हैं रामगढ़ के, हजारीबाग के, वो प्रतिदिन वहां आते हैं। दूर दराज से जो बच्चे हैं लोहरदगा के, दुमका के, पश्चिमी सिंहभूम के, सरेकेला, जमशेदपुर, वो सारे लोग पहले से वहां पहुंच गए हैं, कैंप लगाए हुए हैं, अपने से रहने का व्यवस्था किए हैं। और ये सारा कुछ हो रहा है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि सरकार बदलेगी, सरकार को बदलना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। लेकिन समय रहते अगर सरकार बात कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर डिले करेंगे तो मामला पेचीदा होगा, सोशल मीडिया में निगेटिविटी जाएगी और दुमका उपचुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुमका में युवाओं के तेवर तल्ख है और वो नहीं चाहते हैं कि सरकार अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करती है तो वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में मामला गड़बड़ाएगा तो सरकार की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। हमारे साथ आप ऐसे बने रहिएगा, जो सच्ची खबर होगी, सच्चा विश्लेषण होगा, हमारे साथ आपको मिलता रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।